फिरोजाबाद के थाना जसराना पुलिस ने करीब 20 दिन पूर्व में हुई हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को अरेस्ट किया है। घटना की पृष्ठभूमि में मृतक का प्रेम संबंधों में बाधा बनी हुई थी। पुलिस हिरासत में जा रहे हत्यारोपी है। पुलिस की माने तो दोनों आरोपियों ने करीब 20 दिनों पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की हत्या की थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो आशिकी का जुनून इस हद तक एक सिरफिरे आशिक के ऊपर सवार हो गया कि उसने प्रेमिका के पूर्व प्रेमी से बदला लेने के लिए उसकी मां को ही बेरहमी से चाकू से गोद कर मार डाला। हत्या का खुलासा सीओ ने थाना कोतवाली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। इसके एक लड़की जो लंगड़ा मानसिक की रहने वाली है, उससे प्रेम संबंध थे, उससे इसकी शादी होने वाली थी। उस लड़की से मृतिका कुसुम लता नंगला मानसिंह, उसके बेटे मनीष के भी फोन से बातचीत होती थी। प्रदीप उस चीज़ को लेकर आपत्ति करता था। इन दोनों की फोन पर काफ़ी होक टोक हुई। प्रदीप ने उसको कहा कि इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, आप इसके संपर्क में मत आओ, इसे बात मत करो। परंतु मनीष नहीं माना। इस बात को लेकर मनीष और प्रदीप में काफ़ी फोन पर काफ़ी उल्टी सीधी बातें की। मनीष ने उसको काफ़ी गालियां दी। प्रदीप उस बात को लेकर आक्रोशित हुआ। उसने बताया कि मैं उसी बात को लेकर दिनांक 8/8/23 को जो कुसुम लता ये आंगनबाड़ी कार्य करती थी, ये नंगला केकन में से अपने गांव नंगला मानसिंह जा रही थी। कच्चे रास्ते पर एक चेरी के खेत में प्रदीप घात लगाकर बैठ गया, और जैसे ही कुसुम लता आई तो उसको अपने कब्जे में लेकर एक छुरी से उसके चेहरे पर वार करता रहा और उसको मृत अवस्था में छोड़कर शोड़ा की तरफ से खेत के रास्ते से अपने गांव चला गया। तो क्या सर, ये अकेला था कि इसके साथ और भी कोई? इसने बताया और हमने जितनी जानकारी की, अकेला ही था और कोई इसका साथी इस घटना में शामिल नहीं था। पूरी घटना को इसने अकेले ही अंजाम? अकेले। तो इस घटना का उद्देश्य यही रहा कि मतलब शादी का, शादी जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी, मृतिका का लड़का भी उसके मतलब इसके मना करने के बाद भी उसके संपर्क में था और इसको बहुत बहुत मतलब फोन पर गाली उल्टी सीधी गाली देता था, इससे ही आक्रोशित होकर इसने इस घटना को अंजाम दिया।